हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं संजय निरुपम जी, मेरे पुराने मित्र। कांग्रेस में थे तो मुझसे बात नहीं कर सकते थे, बॉयकॉटेड थी मैं, लेकिन आज कांग्रेस से बाहर निकले हैं तो आप मेरे चैनल पर आए हैं। आपका हार्दिक स्वागत है टाइम्स नाउ नव भारत पर। संजय निरुपम जी, याद तो होगा मेरा नाम, नाविका कुमार है। थैंक यू। नहीं, आप नाविका जी, आप मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ठीक है, अलग अलग पॉलिटिकल कंपल्शन होते हैं, लेकिन शायद आज वो कंपल्शन नहीं है, इसलिए मैंने हाँ बोला आपके आने के लिए। संजय निरुपम जी, आज आपने अब कांग्रेस से इस्तीफा आपने दिया या उन्होंने आपको निकाला, इस बात पर बहुत चर्चा हो रही है। पहले तो ये बता दीजिए, इस्तीफा था या आपको पार्टी से निकाला गया? मैंने कल शाम को, कल जब दोपहर में मुंबई में ऐसी चर्चा उठी कि मेरे खिलाफ कोई एक्शन लेने वाले हैं, इसके पहले दो दिन पहले ही मैंने बोल दिया था कि एक हफ्ते के बाद मैं अपना फैसला सुना दूंगा, जिसका जो मियाद है वो आज पूरा हो रहा था। और मैंने मीडिया के लोगों को बोल दिया था कि आप लोग आइएगा और 11:30 बजे थर्सडे हम करेंगे, यानी कल, यानी बुधवार को ऐसी चर्चा उठी कि भाई कोई एक्शन लेने वाले ये है वो है। तो मैंने कल ही ट्वीट कर दिया था कि अपनी ऊर्जा और स्टेशनरी मेरे ऊपर बर्बाद मत करिए, मैं वैसे भी फैसला कर रहा हूं और कल मैं जो करना है अनाउंस कर दूंगा। फिर भी मैंने अपना इस्तीफा वगैरह तैयार रखा था, मैंने लेट नाइट कोई 10:40 पर भेजा था और उसके बाद मुझे तत्काल पता चला कि इन लोगों ने मुझे निकाल दिया। मैंने कहा ठीक है, अब मुझे निकाला क्यों, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आज जो मैं कह रहा हूं उसकी वजह से निकाला जा सकता है, मैंने कहा बहुत सारी ऐसी बातें कर रहा हूं जो उनको पसंद नहीं होगा, लेकिन कल तक मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से शिवसेना के सामने सरेंडर हो गई। कांग्रेस पार्टी ने अपने पूरे कामकाज को शिवसेना के हवाले आउटसोर्स कर दिया और शिवसेना जो खुद एक बिखरी हुई पार्टी है, जिसका जनाधार पूरी तरह से खत्म होने की स्थिति में है, स्प्लिट हो गया, एक मतलब एक वर्टिकल स्प्लिट हुआ है पार्टी में, ऐसी पार्टी, मतलब जो जिसको यूबीटी शिवसेना कहते हैं, ऐसी पार्टी के भरोसे कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा रिस्क ले रही है। और जिस तरीके से यूबीटी के लोगों ने कांग्रेस के नेताओं के ऊपर और कांग्रेस के सीट शेयरिंग मीटिंगों में हमारे ऊपर जिस तरह से डोमिनेट किया, वह भी मुझे गलत लग रहा था। और आखिर में उसका नतीजा आया कि मुंबई की 6 में से 5 सीटें शिवसेना ने अपने पास ले ली। मैंने कहा यह कांग्रेस पार्टी को खत्म करने का एक षड्यंत्र है। अब यह एक सच है पार्टी के हित में, पार्टी को बचाने के लिए, लेकिन यह सच इतना कड़वा लगा कि सच को सुनने समझने और उसका विश्लेषण करने के बजाय उन्होंने मुझे ही सजा दी। तो मैं पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व ने के मन में जो है कि उन्होंने मुझे निकाला और एक्शन लिया और उससे उनके 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 उनको एक आत्मसंतोष मिलेगा और उनके उनके अभिमान को, उनके अहंकार को तुष्टि मिलेगी, इसके लिए मैं स्वीकार करता हूं कि उन्होंने मुझे निकाल दिया। संजय निरुपम जी, आपने बड़ी बात कही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में और आपने कहा कांग्रेस में 5 पावर सेंटर्स हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और केसी वेणुगोपाल। आपकी इनमें से किसी से बात हुई पार्टी में जब आप अपना एडवाइस दे रहे थे? ऊपर के 3 लोग तो मिलते जुलते ही नहीं और नीचे के जो 2 लोग हैं उसमें अध्यक्ष जी तो मिलते हैं लेकिन वो कुछ बोलते ही नहीं, और एकदम आखिरी नंबर पे हैं वो सिलेक्टेड लोगों से मिलते हैं जो उनके काम का है उनसे ही, बाकी मिलेंगे भी तो वो क्या बोलते हैं समझ में नहीं आता। उनकी हिंदी ऐसी होती है जो हम समझ नहीं सकते, अंग्रेजी भी ऐसी होती है जो आधा हिंदुस्तान और आधे कांग्रेसी नहीं समझ पाते, और जो मलयाली बोलेंगे वो हमको समझ में नहीं आता। तो एक बड़ा एक संवादहीनता की स्थिति है कांग्रेस पार्टी में, एक मेजर कम्युनिकेशन गैप है, और वो सिर्फ इसको सिर्फ मैं नहीं महसूस कर रहा हूं, इस समय हिंदुस्तान के कई राज्यों में काम करने वाले मेरे जैसे जमीन पर लड़ने वाले लोग उस कम्युनिकेशन गैप को, संवादहीनता को महसूस कर रहे हैं। दोष आप किसको देंगे, राहुल गांधी रिस्पॉन्सिबिलिटी चला रहा है वही नहीं तो कौन चला रहा है भाई? भाई ऐसा है तो मैंने तो बताया कोई एक आदमी चला ही नहीं रहा है, 5 लोग चला रहे हैं। जब एक गाड़ी के स्टेयरिंग पे 5 ड्राइवर बैठेंगे तो उस गाड़ी का एक नहीं कई एक्सीडेंट होने वाला है। तो गाड़ी गाड़ी 5 दिशा में जा रही है, कोई इधर लेके जा रहा है, कोई उधर लेके जा रहा है। तो आप कह रहे हैं कि सोनिया गांधी को भी चैलेंज करने वाले लोग हैं, राहुल गांधी को भी चैलेंज करने वाले लोग हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा तो जनरल सेक्रेटरी विदाउट पोर्टफोलियो है,
चल क्या रहा है? देखिए, बहुत ज्यादा अब जो लोग हैं ना उनके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि बहुत आक्रामक एग्रेसिव होके एक दूसरे को चैलेंज करें। वो बेसिकली वो मुझे दिखता है वो लूट खसोट में लगे हुए हैं कि कैसे हमको कुछ मिल जाए। तो जब ये एक मुगलों का जब राज खत्म हो रहा था तो उस समय जो पूरे देश में अराजकता पैदा हुई थी और एक सरेआम लूटपाट चल रही थी, बिल्कुल वही स्थिति मुझे कभी कभी कांग्रेस पार्टी में दिखती है कि एक पुराना जो शासन तंत्र है वो नष्ट हो रहा है, बिखर रहा है, जिसको जहां जो मिल रहा है वो उसके ऊपर कब्जा कर रहा है, वो उसको मोनिटाइज करने या अपने हक में कोई एक निर्णय कराने में लगा हुआ है। संजय निरुपम, अब किधर का रास्ता कर रहे हैं? बीजेपी से मोहब्बत हो गई है या शिवसेना शिंदे गुट से मोहब्बत हो गई है? अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि आज तो छोड़ने का निर्णय था, निकलने का निर्णय था। आगे की कार्रवाई कर रहे हैं और मुझे लगता है कि नवरात्रा के दरमियान आपको एक हम जानकारी देंगे अगर कुछ तय हुआ तो। संजय निरुपम जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए धन्यवाद। और मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि कांग्रेस से निकलने से कम एक अच्छी बात यह हुई कि बॉयकॉट आपके और हमारे बीच की वार्तालाप का खत्म हुआ। लेकिन